हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल के बायर्स क्लब। और मैं शिल्पी श्रीवास्तव। आप इस चैनल पर देखते हैं इंडिया के वन ऑफ दी बेस्ट प्रॉपर्टीज की वीडियो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो और साथ में इन्फॉर्मेटिव भी। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले NH8 पर बढ़ रहे ट्रैफिक को रोकने के लिए बनाए जा रहे 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। और द्वारका एक्सप्रेसवे को आज कौन नहीं जानता, और लगभग 95% द्वारका एक्सप्रेसवे आज बन के तैयार हो चुका है। अगर हम बात करें कि द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट कब हुआ था, तो 2006 में द्वारका एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान आया था। रीज़न ये था NH8 पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, क्योंकि 2006 तक गुड़गांव में कॉर्पोरेट्स आ चुके थे, लोगों का आना जाना बढ़ चुका था, जिसके वजह से डेली सुबह न्यूज़पेपर में गुरुग्राम जैम के नाम से बहुत ज़्यादा न्यूज़ फेमस होती थी। दैट्स वाई फिर नितिन गडकरी जी ने हमारे मास्टर प्लान लेकर आए द्वारका एक्सप्रेसवे का। और आज द्वारका एक्सप्रेसवे 95% बन के तैयार हो चुका है। अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो ये 29 किलोमीटर लंबा है, तो 4 पैकेजेस में बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा के अंदर आता है और दिल्ली के अंदर आता है। टोटल 29 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा के अंदर और 10.1 किलोमीटर आपका दिल्ली के अंदर आता है। अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप जो कर रहे हैं वो दो कंपनीज हैं, यानी कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट दो कंपनीज को दिया गया, जे कुमार LNT को। जे कुमार जो दिल्ली का हिस्सा डेवलप कर रहे हैं, LNT कंपनी जो गुड़गांव का हिस्सा डेवलप कर रही है। अगर हम पैकेजेस की बात करें, सबसे पहले ये जानते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ ख़त्म होती है द्वारका। द्वारका एक्सप्रेसवे महिपालपुर रोड से स्टार्ट होता है, जो द्वारका सेक्टर 21 से होते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को टच करते हुए खिड़की डोला पे ख़त्म होता है और वहाँ जाके NH8 को कनेक्ट करता है। दिल्ली और गुड़गांव के बीच बन रहे इस हाईवे को, जो दिल्ली के कई सारे हिस्सों को एक बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है। यह एक्सेस कंट्रोल 8-लेन हाईवे होने वाला है, जो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और यहाँ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने मेट्रो भी प्लान किया है, जो बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कई सारे हरियाणा और दिल्ली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के कारण यहाँ पे रियल स्टेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे रियल स्टेट के बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, जो कि रेडी टू मूव हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स बन भी रहे हैं। अगर मैं पैकेज फर्स्ट की बात करूं, तो ये स्टार्ट होता है आपका शिव मूर्ति में महिपालपुर रोड से, और यहाँ पे आपको मल्टी लेवल इंटरचेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक का एक फ्री फ्लो मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और ये जाता है आपका द्वारका सेक्टर 21 तक, और यहाँ पे 8-लेन शैलो टर्नल बनाई जा रही है, जो 3.6 किलोमीटर लंबी रहने वाली है। बात करें तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर मैं पैकेज 2 की बात करूँ, तो ये स्टार्ट होता है, तो ये वसई RUB यानी द्वारका सेक्टर 21 से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक जाएगा, जिसका टोटल लेंथ 4.2 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका सेक्टर 21, 23 और नजफगढ़ को भी एक बेहतरीन कनेक्टिविटी देने वाला है। सेक्टर 25 में बन रहे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी एक अमेजिंग कनेक्टिविटी मिलेगी, और यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, कन्वेंशन सेंटर कॉन्फ्रेंस और साथ में एग्जीबिशन एंड कॉर्पोरेट मीटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। पैकेज 3 की बात करूं, तो ये स्टार्ट होता है आपका दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से, वसई RUB तक जाता है, जिसकी टोटल लेंथ 10.2 किलोमीटर है, और यहाँ पे 8.5 किलोमीटर लॉन्ग 8-लेन फ्लाईओवर भी बनाई जा रही है। इसके आसपास आपको बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल M3M कैपिटल वॉक पूरी हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड हो गया, ऐसे कई सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट यहाँ आसपास डेवलप हो रहे हैं। पैकेज 4 आपका स्टार्ट होता है वसई रेलवे ओवरब्रिज से, यानी वसई RUB से, और ये जाता है आपका NH8 नियर बाय खिड़की डोला टोल प्लाजा तक। इसका जो टोटल लेंथ है वो 8.8 किलोमीटर का है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि यहाँ पे IMT मानेसर और सेक्टर 88 और 84 की ओर मुड़ने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज भी बनाया गया है, और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे CPR NH8 SPR इंटरसेक्शन पर ग्रोवर लीफ भी इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ चलने वाली गाड़ियों यानी वाहनों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ट्रैफिक का एक फ्री फ्लो मोमेंट आपको देखने को मिलेगा।
द्वारका एक्सप्रेसवे पे 20 से ज़्यादा फ्लाईओवर ब्रिज, 2 आरओबी अंडरपासेस, 15 से ज़्यादा व्हीकल अंडरपासेस और अंडरग्राउंड क्रॉसिंग की फैसिलिटी दी गई है। साइकिल से चलने वाले लोगों के लिए दोनों तरफ 2 मीटर वाइड साइकिल कॉरिडोर भी बनाया गया है। इसके साथ साथ इस द्वारका एक्सप्रेसवे को आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से स्मार्ट एक्सप्रेसवे बनाया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास की फैसिलिटी है, साथ में आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल बॉक्स मिलेगा, यानी कि कुल मिला के ये आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे अभी तक का सबसे अमेजिंग और स्मार्ट एक्सप्रेसवे रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी एक्सेस देता है। तो ये है आपका स्मार्ट द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां आपको मिल रही है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों, और साथ में 29 किलोमीटर लंबा और 150 मीटर वाइडेस्ट रोड आपको मिल जाता है। यहां आसपास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे रेजिडेंशियल की बात करें या फिर कमर्शियल की बात करें। गुड़गांव अभी एक ऐसा हॉटस्पॉट बन चुका है जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आने की वजह से आसपास का एरिया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। जिन्होंने कम से कम 2019 या 18 में इन्वेस्ट किया था, आज उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है। अगर हम बात करें, नियर बाय आपको बहुत सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिलते हैं, जैसे टाटा, गोदरेज, शोभा, सापुंजी, पोलोंजी, सिग्नेचर ग्लोबल, हीरो ग्रुप्स आ रहे हैं, ATS है, पूरी है, M3M कैपिटल वॉक है, और इसके साथ साथ बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है जैसे कि टाटा गेटवे हो गया, और साथ में M3M तो आपको गुड़गांव के पास ही मिलता है। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट आपको आसपास देखने को मिलते हैं, और आने वाले कल में इसकी प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है और मार्केट रेट बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बहुत ही जल्दी हमारे PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, और मैं बता दूं आपको, अभी आपके पास बहुत ही अमेजिंग समय है इन्वेस्ट करने द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास। तो जल्दी से हमसे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए थोड़ा बहुत काम आए। तो जल्दी से हमसे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है ऑन द्वारका एक्सप्रेस के, और बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही कई सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, रेजिडेंशियल की हो या कमर्शियल की हो। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और हम जल्दी जल्दी ढेर सारा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आने वाले कल में आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।